पता नहीं मैं हर बार ऐसी परिस्थिति में क्यों फंस जाती हूँ। मैं इस वायरल बस्के को बनाने वाली थी जिसके लिए मैंने सारी तैयारियां कर ली, लेकिन मैंने सबसे महत्वपूर्ण चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, वह है यह बड़े बड़े काले हीरे और काला रंग। क्या यह बस्का बन पाएगा? क्या इस चप्पल पर कलाकारी होगी? यह देखने से पहले स्वागत है आपका मेरी इस कलाकारी ज्वेलरिया की हस्त कौशल शाला में। और अभी तक आपने पसंद करने वाली घुंडी ना दबाई हो तो जल्दी से पसंद करने वाली घुंडी दबाओ और मेरी इस हस्त कौशल शाला को सब्सक्राइब करो। जब मैंने यह बस्के की कीमत देखी तो मेरा होश उड़ गया। मैंने सोचा क्या मैं यह घर पर नहीं बना सकती। तुरंत मैं भागती हूँ अपने रसोई कक्ष में और ले आती हूँ मूंगफली मक्खन के डिब्बे। साथ में लाती हूँ आधुनिक बाजार से खरीदारी के बाद मिलने वाला ये गत्ते का डिब्बा और अपना जरूरी सामान। क्योंकि यह गत्ता टेढ़ा मेढ़ा है इसीलिए मैं इस गत्ते को सीधा काट लेती हूँ, फिर मक्खन के डिब्बे से नाप लेती हूँ। जितना ये डिब्बे का नाप है उसी नाप से गत्ते पर रेखा बनाई और उसे एक पट्टी के माध्यम में काट लिया। किंतु यह पट्टी डिब्बे से बड़ी कट गई, तो मैंने पट्टी को डिब्बे पर रखकर गोल किया और बचा हुआ हिस्सा था उसे दोबारा काट लिया। फिर से डिब्बे के साथ नाप लिया मगर इस बार थोड़ी ज्यादा कटाई हो गई। मतलब मैं ही क्यों ऐसी परिस्थिति में फंस जाती हूँ? थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे एक सुझाव मिलता है। गत्ते का छोटा सा टुकड़ा लिया, इस पट्टी के नीचे बीचों बीच फंसा दिया और इसके ऊपर गोंद वाले कागज को चिपका दिया। डिब्बे का ऊपर का हिस्सा तो छिप गया, अब बारी है डिब्बे के नीचे के हिस्से को छुपाने की। तो मैंने फिर से बचे हुए गत्ते पर डिब्बे के ढक्कन से नाप लिया और जितना ढक्कन है उसी नाप से एक गोल टुकड़ा काट लिया। मुझे लगता है कहीं ये गोल टुकड़ा बीच से खिसक ना जाए, इसलिए मैंने गोल टुकड़े पर गोंद वाले कागज लगाए और फिर उस गोल टुकड़े को डिब्बे के नीचे लगाया। डिब्बे के साथ मैंने बहुत सारी गोंद वाली कागज चिपकाई ताकि यह गत्ते ना तो कभी खिसके और ना कभी निकल पाए, मतलब थोड़ा मजबूत बना दिया। और अब बारी है डिब्बे पर छिद्र लगाने की। एक छिद्र ढक्कन के ठीक नीचे लगाया और दूसरा छिद्र डिब्बे के नीचे के हिस्से पर लगाया। अब यह बन गया है सुर्खी का निचला हिस्सा और अब बारी है सुर्खी के ऊपर के हिस्से को बनाने की। तो फिर से मैंने बचा हुआ गत्ता ले लिया और इसके ऊपर सर्पाकार रेखा बनाकर काट लिया। दिखने में तो यह रानियों का ताज के आकार की तरह लगेगा। फिर मैंने इस गत्ते को दोनों अंत वाले हिस्से को कागज की सहाय से चिपका दिया। इसके बाद फिर एक गोल टुकड़ा काट लिया और इसे इस सर्पाकार गत्ते के टोच पर कागज की सहाय से चिपका दिया। अब इस टोच वाले हिस्से को ढक्कन पर खोद दिया ताकि इसे मजबूत बैठक मिल जाए और फिर मैंने इसे मजबूती से ढक्कन के साथ चिपका दिया। जब हम सूखी को खोलते हैं तब अपने मनपसंद रंग के सौंदर्य प्रसादन बाहर आते हैं। ठीक उसी तरह हमने यह सूखी का ऊपर का हिस्सा भी बना दिया। क्या आपको पता है सौंदर्य प्रसादन में इस सुर्खी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो चलो जल्दी से समीक्षा करके बताओ। और अब भारी है इस सुर्खी के रंगाई करने की। तो मैं ले आई काले रंग का फुहार और इस फुहार से सुर्खी के दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी जगह पर रंगाई कर दी। और तभी मैं एक और मुसीबत में फंस जाती हूँ। इतनी सारी मेहनत से पूरी सुर्खी बना ली किंतु सुर्खी के ऊपर के हिस्से को भी काले रंग से रंग दिया, किंतु इस टोच को तो मुझे कोई और रंग से रंगाई करनी थी। दूसरी दुविधा यह हुई कि मेरे पास इस बस्के के ऊपर दिखने वाले हूबहू वर्ताकार हीरे तो है ही नहीं। तभी मुझे याद आता है यह मेरे पुराना बस्का जिसको मैंने कंगन के डिब्बे से बनाया था। क्या आपने यह चलचित्र देखा? नहीं देखा हो तो इस बस्के को भी देख लेना और पसंद करने वाली गुंडी भी दबा देना। तो इस बस्के पर मैंने काले रंग के ये छोटे छोटे हीरे चिपकाए थे, तो मैंने ऐसे छोटे छोटे हीरे से सुर्खी के निचले हिस्से पर चिपकाना शुरू कर दिया। जब मैंने ये सुर्खी वाले बस्का को बनाने के लिए सोचा तो मुझे ये बहुत ही सरल दिख रहा था, किंतु जब हीरा चिपकाने की बारी आई तब मेरी हालत बुरी तरह से खराब हो गई। एक एक हीरे को चुन चुन कर पकड़ना और फिर इसे उठाकर चिपकाना और जब उठाकर डिब्बे तक ले जाओ तब बार बार हीरे का नीचे गिरना, और इस परिस्थिति ने मुझे कुछ देर के लिए तो चिड़चिड़ा कर दिया। डिब्बे के अगले हिस्से पर हीरा चिपकाने के बाद डिब्बे के निचले हिस्से पर मैंने घुसे रंग के हीरे चिपका दिए। और क्या आप भरोसा करोगे, यह इतने डिब्बे पर हीरे चिपकाने में मुझे 16 घंटे लग गए। फिर अब बारी है इस गलती को सुधारने की। तो मैंने इस काले रंग को छुपाने के लिए गोंद के साथ लाल रंग को मिश्रित किया और इस लाल रंग को टोच पर रंग दिया। फिर इस टोच को और भी खूबसूरत और चमकीला दिखाने के लिए यह चमक दमक दिल मिल को छिटक दिया, और छिटकने के बाद इस टोच को एक दो बार ठपकाया ताकि बची हुई और ना चिपकी हुई दिल मिल बिखर जाए।
फिर इस चमक दमक के ऊपर लाल रंग के हीरे चिपकाए और ढक्कन वाले हिस्से को छोड़ दिया। दिखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। फिर मिले आई सुनहरे रंग के हीरे और गोल गोल सफेद मोती। तो मैंने पहले दो सुनहरे हीरे चिपकाए, बीच में अर्ध गोल सफेद मोती चिपकाए, फिर दोबारा दो सुनहरे मोती चिपकाए। पूरे बस्के बनाने में सुनहरे मोती मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए। अगर आपको भी पसंद आए हो तो देर की इस बात की जल्दी से पसंद करने वाली घुंडी दबाओ और इस चलचित्रण को आगे बढ़ाओ। अब बारी है इसके ऊपर साकार लटकाने की। तो मैं अपने हस्त कौशल कप से जवेरात बनाने का खजाना ले आई और उठा लिए दो कांटे और दो सुनहरे रंग की रिंग। पहले कांटे को छिद्र में खोद दिया, फिर रिंग को कांटे के साथ चुभा दिया। दोनों छिद्रों में कांटों को खोद कर ले आई साकड़। किंतु ये साकड़ का रंग मेरे इस बस्के से बिल्कुल अलग दिख रहा था, मतलब चांदी रंग का था। तो मैंने इसके ऊपर सुनहरे रंग से रंगाई कर दी और रंग को सूखने के बाद इसे दोनों छिद्र में खोती हुई रिंग में लटका दिए। इस सौंदर्य प्रसादन की सुर्खी वाले बस्के को बनाने में मुझे करीबन 2 दिन हो गए, तब जाके ये खूबसूरत बस्का तैयार हुआ है। तो मैंने अपने जरूरत के सौंदर्य प्रसादन को रख दिया, कुछ पैसे रखे और कुछ कार्ड को रख दिए और डिब्बे को बंद किया। क्या यह बाजार में मिलने वाले बस्के से ज्यादा सुंदर बना है या नहीं, यह बात आपको समीक्षा करके बताना है। और पसंद आए हो तो जल्दी से पसंद करने वाली घुंडी दबाओ और मेरे इस हस्त कौशलशाला को सब्सक्राइब करो। कई सारे चप्पल ऐसी है जो मुझे पहनी भी नहीं है और फेंकनी भी नहीं है, और मैंने ऐसी चप्पलों को एक टोकरी में भर के रखा था। आज जाके इस टोकरी में उठा ले आई और ढूंढने लगी एक बेजान चप्पल को जो मुझे मेरे कॉलेज जाने पर काम आए। और आखिरकार ये चांदी रंग के दो चप्पल मिल जाते हैं, किंतु एक चप्पल के हीरे की पट्टी तो गायब थी। तो मैंने दूसरे चप्पल की पट्टी भी निकाल दी और ले आई अपने बाग में, जहां मैं हर दिन कलाकारी करती हूं। तो यह चप्पल की स्थिति अच्छी भी है और मजबूत है, क्योंकि इस चप्पल को मैंने 2 ही बार पहने थे। तो चलो अब इस रूखे सूखे और बेजान चप्पल पर कलाकारी करते हैं। पहले मैंने ऊन की डोरी ली और इसे चप्पल पर गांठ लगा दी। एक डोरी के हिसाब से चप्पल के ऊपर के हिस्से में जहां हीरे की पट्टी निकल चुकी थी, उसी जगह पर मैंने इस डोरी को बांध दिया, क्योंकि अब जो मैं कलाकारी करूंगी यह इस डोरी के साथ चिपकाने के लिए काम आए। फिर मैं ले आती हूँ 2 रंग के शीशे के मोती, एक काले और दूसरे गुसर रंग के, और तीसरा छिपले सफेद मोती। इसके साथ लाती हूँ पतली सी मजबूत विदेशी डोरी जो आसानी से कभी नहीं टूटने वाली। पहले मैंने 4 सफेद मोती को डोरी में सम्मिलित किया, फिर चौथे मोती के अंदर दोनों डोरी को विपरीत दिशा में सम्मिलित किया ताकि यह एक पुष्प के आकार में दिखे। और उसी तरह मैंने और 6 मोती को सम्मिलित किया। अभी तक मैंने सिर्फ सफेद मोती ही सम्मिलित किया था और तीसरी बार मैंने घुसर मोती को सम्मिलित किया। 4 घुसर मोती को सम्मिलित करने के बाद दूसरी बाजू मैंने 4 काले रंग के मोती को सम्मिलित किए और उसी तरह फिर से सफेद मोती के साथ घुसर मोती को सम्मिलित कर दिया और अंत में दोनों डोरी को बांधकर गांठ लगा दी। तो ऐसे मैंने 2 बना दिए दोनों चप्पलों के लिए। और मैंने चप्पल पर जो ऊन की डोरी बांधी थी उसी के ऊपर यह मोती को रखकर सुई और धागे की सहायता से उस मोतियों को जोड़ दिया। देखो अब यह चप्पल पहले से कितना सुंदर बन गया है। अब तो मैं रोज यह चप्पल पहनकर कॉलेज जाऊंगी। आपके पास भी ऐसी चप्पल है तो आप भी ऐसी कलाकारी करें। तो मिलती हूँ जल्दी एक नए चलचित्र के साथ। तब तक के लिए पसंद करने वाली घंटी दबाओ और सब्सक्राइब करो।